वेलकम बैक टू एक्सएम स्टडी। एक्सएम स्टडी में फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक मॉडर्न फिजिक्स से है। बिहार अमीन के फिजिक्स सिलेबस का ये लास्ट टॉपिक है। यदि आप लोग फिजिक्स का एक भी वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के वीडियो देख सकते हो। चलिए अब शुरू करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स का पहला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश किरण पुंज को जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है, बताइए। 2 सेकेंड आप लोग के पास, इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। क्या है क्वेश्चन, फिर से पढ़िए। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो क्या कहलाता है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लेजर। क्या कहलाता है? लेजर कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। लेजर बीम सदा होती है, बताइए। 2 सेकेंड आप लोगों के पास, इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। लेजर बीम सदा होती है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। 2 सेकेंड आप लोगों के पास, इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। लेजर बीम सदा होती है, क्या होती है लेजर बीम, क्या होती है? ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? करेक्ट ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका क्या होता है? अपसारी बीम होती है। लेजर बीम क्या होता है? हमेशा अपसारी बीम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। परमाणु के नाभिक में होते हैं, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर, बताइए क्या होगा। क्या है क्वेश्चन? परमाणु के नाभिक में होते हैं, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। 2 सेकेंड आप लोगों के पास है, इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है परमाणु का नाभिक जो होता है, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके चारों तरफ क्या होता है, चक्र लगाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। न्यूट्रॉन की खोज की थी, बताइए कौन सा वैज्ञानिक था जो न्यूट्रॉन की खोज की थी। 2 सेकेंड आप लोगों के पास, इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। चार का करेक्ट ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा। 2 सेकेंड आप लोगों के पास है। क्या है क्वेश्चन? न्यूट्रॉन की खोज की थी, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। क्या होगा इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से अस्थायी कण है, बताइए अस्थायी कौन कौन है, बताइए। 5 का करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या होगा। क्या है क्वेश्चन, फिर से पढ़िए। निम्न में से अस्थायी कण है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 2 सेकेंड आप लोगों के पास, इसका सही ऑप्शन बताइए क्या होगा। क्या होगा सही ऑप्शन? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, न्यूट्रॉन जो है अस्थायी कण है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा, बताइए। बताइए इसका क्या होगा। 2 सेकेंड आप लोगों के पास, इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। द्रव्यमान संख्या कितना होगा, बताइए इसका। 6 का करेक्ट ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा। क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर, बताइए। 2 सेकेंड आप लोगों के पास है, इसका सही ऑप्शन बताइए क्या होगा। इसका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, 4। कैसे बताए? जेड इजकल टू क्या होता है आप लोग याद है, पी प्लस एन, प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन होता है। यहाँ 2 प्रोटोन है और क्या है, 2 न्यूट्रॉन देते, टोटल कितना? 4। परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? 4। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। नाभिक क्या है अगला क्वेश्चन? नाभिक का आकार है, बताइए क्या होगा इसका सही ऑप्शन। क्या है क्वेश्चन? नाभिक का आकार है, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा। 7 का। 2 सेकेंड आप लोग के पास, इसका सही ऑप्शन बताइए क्या होगा। क्या होगा इसका सही ऑप्शन, बताइए। 2 सेकेंड आप लोग के पास है। क्या है क्वेश्चन? नाभिक का आकार है। क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। 7 का क्या होगा? 10^-15 क्या होगा? -15 मीटर होता है। नाभिक का आकार क्या होता है? 10^-15 मीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, बताइए। 8 का सही ऑप्शन बताइए क्या होगा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। 2 सेकेंड आप लोग के पास, इसका सही ऑप्शन बताइए क्या होगा। क्या है क्वेश्चन? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, एडर्सन ने। पॉजिट्रॉन की खोज एडर्सन ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें, बताइए क्या होगा इसका सही ऑप्शन, बताइए क्या होगा। 2 सेकेंड आप लोग के पास, इसका सही ऑप्शन बताइए क्या होगा। क्या क्वेश्चन, फिर से पढ़िए। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, कितना होगा इसका प्रोटॉन की संख्या, बताइए।
क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, कितना प्रोटोन है, एक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, बताइए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। 2 सेकेंड आप लोग के पास है, इसका सही ऑप्शन बताइए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, बताइए बताइए 2 सेकेंड आप लोग के पास। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, जे जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और कब की थी इलेक्ट्रॉन की खोज, जे जे थॉम्सन ने कब की थी, 1897 ईस्वी में की थी। कौन, जे जे थॉम्सन ने कब 1897 ईस्वी में क्या था, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी तत्व के परमाणु संख्या डैश की संख्या बताइए, किसी तत्व की परमाणु संख्या डैश की संख्या, इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। 2 सेकेंड आप लोग के पास है, 11 का करेक्ट ऑप्शन नंबर बताइए, बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। 2 सेकेंड आप लोग के पास है, क्या होगा इसका इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या जो होता है किसी तत्व के परमाणु संख्या के बराबर होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं बताइए, परमाणु में प्रोटॉन कहाँ पे रहते हैं, इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। 2 सेकेंड आप लोग के पास है, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा, परमाणु में जो है प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, इसका सही ऑप्शन बताइए क्या होगा, इसका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, नाभिक के क्या होता है, ये नाभिक क्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होता है नाभिक के भीतर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है बताइए, इलेक्ट्रॉन क्या वहन करता है बताइए, इसका 2 सेकेंड आप लोगों के पास है, इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वहन करता है, इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है बताइए, इसका सही ऑप्शन बताइए क्या होगा। 13 का, इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है बताइए, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा। 2 सेकेंड आप लोग के पास है, इसका सही ऑप्शन बताइए क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, क्या होगा, एक यूनिट ऋणात्मक होता है, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो होता है माइनस चार्ज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है बताइए, इसका सही ऑप्शन बताइए क्या होगा। 2 सेकेंड आप लोगों के पास है, क्या है क्वेश्चन, समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा। 2 सेकेंड आप लोगों के पास है, क्या होगा बताइए, क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, प्रोटॉन की संख्या समान होती है, समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या समान होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, समस्थानिक जिसको आइसोटोप बोलते हैं, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिसका क्या होता है बताइए। 2 सेकेंड आप लोगों के पास है, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा, बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, क्या होगा बताइए, आइसोटोप्स किसको बोलते हैं, मतलब डिफिनेशन इसका बताइए क्या होगा आइसोटोप्स का, क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, परमाणु भार क्या होता है, भिन्न होता है किंतु परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है। आप लोग ये याद रखिएगा, आइसोटोप्स का क्या होता है डिफिनेशन, परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें बताइए क्या होगा। 16 का करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या होगा, क्या है क्वेश्चन, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। 2 सेकेंड आप लोग के पास, इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा, क्या होगा इसका सही ऑप्शन 16 का, क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, प्रोटॉन की संख्या वही होता है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसे दो तत्वों जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो क्या कहलाता है बताइए। 17 का सही उत्तर बताइए क्या होगा, 2 सेकेंड आप लोगों के पास, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा, क्या कहलाता है इसको, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग हो परंतु क्या होता है द्रव्यमान संख्या समान हो, इसका क्या कहलाता है, इसका करेक्ट नंबर क्या होगा, बी, संभारिक, उसको क्या बोलते हैं, संभारिक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु संक्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं बताइए। इससे पहले इस टाइप का हम क्वेश्चन बता दिए हैं, बताइए इसका करेक्ट नंबर क्या होगा, 18 का
क्वेश्चन फिर से पढ़िए, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं, बताइए इसका कोरेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा 18 का। इसका कोरेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका कोरेक्ट ऑप्शन 18 क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी समस्थानिक, समस्थानिक कहते हैं जिसको आइसोटोप बोलते हैं। आइसोटोप्स में क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होता है समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होता है अलग अलग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, किसी तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं बताइए, चार ऑप्शन दिया हुआ, चार ऑप्शन में से बताइए कौन सा तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है बताइए। इसका कोरेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा 19 का सही उत्तर बताइए क्या होगा, 2 सेकेंड आप लोगों के पास है, क्या होगा इसका कोरेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी पोलोनियम, पोलोनियम में जो होता है समस्थानिक सबसे ज्यादा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाती है बताइए। 20 का कोरेक्ट ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा, 2 सेकेंड आप लोगों के पास, इसका सही उत्तर बताइए क्या है, क्या क्वेश्चन, परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। इसका कोरेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी समस्थानिक, उसको क्या कहते हैं आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोटोप्स का आप लोग दो तरह से फॉर्मूला याद रखिएगा डिफिनेशन, एक तो आपको क्या होता है परमाणु संख्या समान होता है और परमाणु भार क्या होता है अलग होता है, एक क्या है कि प्रोटॉन की संख्या समान होता है और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होता है, अगर ये दोनों स्टेटमेंट अगर दिया रहे तो उसको क्या बोलते हैं आइसोटोप्स बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं बताइए। 21 का कोरेक्ट ऑप्शन बताइए क्या होगा, 2 सेकेंड आप लोग के पास है, क्या क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बताइए, बताइए 21 का कोरेक्ट ऑप्शन बताइए क्या होगा, 2 सेकेंड आप लोग के पास है, क्या होगा इसका कोरेक्ट ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नाभिकीय विखंडन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है बताइए, परमाणु बम में किस टाइप का सिद्धांत काम करता है बताइए। 2 सेकेंड आप लोगों के पास है, इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा, क्या क्वेश्चन, परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा, 2 सेकेंड आप लोगों के पास है, इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा, इसका कोरेक्ट ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा 22 का, इसका क्या होगा कोरेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नाभिकीय विखंडन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन बम आधारित है बताइए, हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है बताइए, कौन सा सिद्धांत पे हाइड्रोजन बम काम करता है बताइए। 23 का सही उत्तर बताइए क्या होगा, 2 सेकेंड आप लोगों के पास है, इसका कोरेक्ट ऑप्शन बताइए क्या होगा, क्या होगा बताइए, इसका कोरेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन पे हाइड्रोजन बम काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था बताइए, कौन सा वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था, इसका सही ऑप्शन बताइए क्या होगा, 2 सेकेंड आप लोगों के पास है, इसका कोरेक्ट ऑप्शन बताइए क्या होगा, बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। 24 का कोरेक्ट ऑप्शन बताइए क्या होगा, क्या होगा इसका कोरेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी फर्मी ने सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है बताइए, फिर से सेम क्वेश्चन आ गया 25 को बताइए, क्या क्या होगा इसका कोरेक्ट क्या होगा, बी नाभिकीय विखंडन पे, रिपीटेशन हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है बताइए। 26 का कोरेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइए, 2 सेकेंड आप लोगों के पास है, इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा, क्या क्वेश्चन, सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है बताइए, कौन सा विधि से आंकी जाती है। 26 का सही ऑप्शन बताइए क्या होगा, इसका कोरेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए पोटासियम और आर्गन विधि से क्या होता है सर्वकालीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है बताइए, इसका 27 का सही ऑप्शन बताइए क्या होगा, क्या क्वेश्चन, फिर से पढ़िए, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है बताइए, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 27 का क्या होगा बताइए, इसका कोरेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 सेकेंड आप लोगों के पास है, क्या होगा इसका कोरेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी उपरोक्त सभी, अल्फा बीटा गामा तीनों रे क्या करता है, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है बताइए।
28 का सही ऑप्शन बताइए क्या होगा। क्या क्वेश्चन फिर से पढ़िए, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, इसका सही ऑप्शन बताइए क्या होगा। दो सेकेंड आप लोगों के पास है, 28 का सही ऑप्शन बताइए क्या होगा, क्या होगा इसका कोरेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है बताइए। चार ऑप्शन दिया हुआ, चार ऑप्शन में से बताइए कि किसमें ऋणात्मक आवेश होती है, निगेटिव चार्ज किसमें होता है बताइए। दो सेकेंड आप लोग के पास है, इसका कोरेक्ट ऑप्शन बताइए क्या होगा, किस कण में जो होता है ऋणात्मक आवेश होती है बताइए, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। 29 का क्या होगा इसका कोरेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, बीटा कण में क्या होता है निगेटिव चार्ज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि बताइए, क्या अंतर है दोनों के बीच, इसका सही ऑप्शन बताइए क्या होगा। दो सेकेंड आप लोगों के पास है, 30 का कोरेक्ट ऑप्शन नंबर बताइए क्या है, क्या है क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि बताइए, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। 30 का क्या हुआ इसका, क्या हुआ इसका कोरेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है बताइए। 31 का सही ऑप्शन क्या होगा, दो सेकेंड आप लोगों के पास, इसका सही ऑप्शन बताइए क्या है, क्या है क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है बताइए, सही ऑप्शन क्या है 31 का। क्या होगा इसका कोरेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, जर्कोनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्फा कण के दो इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है बताइए। 32 का सही ऑप्शन बताइए क्या होगा, क्या क्वेश्चन फिर से पढ़िए, अल्फा कण के दो इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है बताइए, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। 32 का, 32 का सही ऑप्शन बताइए क्या होगा, क्या होगा इसका, इसका कोरेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, हीलियम के परमाणु के बराबर होते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है बताइए, कौन सा किरण कोबाल्ट 16 उत्सर्जित करता है बताइए, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। दो सेकेंड आप लोगों के पास है, बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है, क्या क्वेश्चन, कोबाल्ट 16 कौन सा किरण उत्सर्जित करता है, इसका कोरेक्ट ऑप्शन बताइए क्या होगा। 33 का दो सेकेंड आप लोगों के पास, इसका सही ऑप्शन बताइए क्या होगा। 33 का सही ऑप्शन बताइए क्या होगा, दो सेकेंड आप लोगों के पास है, क्या होगा इसका कोरेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, गामा किरण कोबाल्ट 30 आमतौर पे उत्सर्जित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है बताइए, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। 34 का दो सेकेंड आप लोगों के पास, इसका सही ऑप्शन बताइए क्या होगा, क्या क्वेश्चन फिर से पढ़िए, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है बताइए, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। 34 का दो सेकेंड आप लोगों के पास, इसका सही ऑप्शन बताइए क्या होगा, क्या होगा इसका कोडेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, कैडमियम या बोरोन का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, परमाणु पायल का प्रयोग कहाँ होता है बताइए, परमाणु पायल का प्रयोग कहाँ होता है, इसका सही ऑप्शन बताइए क्या होगा। 35 का दो सेकेंड आप लोगों के पास, इसका सही ऑप्शन बताइए क्या होगा कि परमाणु पायल का कहाँ प्रयोग किया जाता है बताइए, क्या होगा इसका कोरेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है बताइए। 36 का सही ऑप्शन बताइए क्या होगा, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है बताइए। 36 का सही ऑप्शन बताइए क्या होगा, क्या होगा इसका कोरेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, रेडियो एक्टिव धर्मिता के इकाई होती है क्यूरी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होता है बताइए।
37 का सही ऑप्शन बताइए क्या होगा। 2 सेकेंड आप लोगों के पास है। क्या क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, बताइए किसके द्वारा नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, बताइए सही ऑप्शन क्या होगा 37 का, क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, नियंत्रित विखंडन के द्वारा नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 38 का, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया में भी क्यों कहते हैं, बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हुआ 38 का। क्या क्वेश्चन फिर से पढ़िए, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं, बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, किस कारण से नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं, बताइए कौन सा ऐसा रीजन है, बताइए 38 का सही उत्तर बताइए क्या होगा, क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, संलयन में काफी ऊष्मा पैदा होती है जिस कारण नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, बताइए रेडियो कार्बन डेटिंग जो होता है किसका उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, बताइए चार ऑप्शन दिया हुआ, चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताइए क्या होगा, 2 सेकेंड आप लोगों के पास, इसका सही ऑप्शन बताइए क्या होगा 39 का, क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, रेडियो कार्बन डेटिंग किसका उम्र ज्ञात करता है, बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्मों का उम्र ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परमाणु रिएक्टर क्या है, बताइए 2 सेकेंड आप लोगों के पास, इसका सही ऑप्शन बताइए क्या होगा, क्या क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर क्या है, बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, 40 का सही ऑप्शन बताइए क्या होगा, क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, आणविक भट्टी, परमाणु रिएक्टर को आणविक भट्टी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 41, पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है, बताइए कौन सा विधि के द्वारा पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है, बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2 सेकेंड आप लोगों के पास, इसका सही ऑप्शन बताइए क्या होगा, क्या है क्वेश्चन, पृथ्वी के आयु का निर्धारण करने के लिए कौन सा विधि का यूज करते हैं, बताइए 2 सेकेंड आप लोगों के पास है, 41 का करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या होगा, क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, यूरेनियम विधि के द्वारा पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथन एक में दिया, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगी, रीजन क्या है, उसे यह विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी, नीचे दिए गए कोड योजना में उन्हें अपने स्तर का चयन कीजिए, बताइए इसका क्या होगा सही ऑप्शन, बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आप लोग क्या कि कथन और रीजन पढ़ लीजिए और इसका सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए क्या होगा 42 का, 5 सेकेंड इसके लिए आपको दे रहे हैं, इसका सही ऑप्शन बताइए क्या होगा 42 का, 42 का सही ऑप्शन बताइए क्या होगा, क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दोनों ए और आर सत्य है और आर सही कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, बताइए फिर से 43 एक बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, लेकिन बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, रिविजन कर लीजिएगा आप लोग, बताइए इसका 43 का क्या होगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, बी होगा, क्या होगा, नाभिकीय संलयन द्वारा, सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, 43 का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कल्पक्कम के फास्ट ब्रीड टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलम के रूप में प्रयोग लाया जाता है, बताइए क्या होगा 44 का सही ऑप्शन क्या होगा, 2 सेकेंड आप लोगों के पास, इसका सही ऑप्शन बताइए क्या होगा, क्या है क्वेश्चन फिर से पढ़िए, कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलम के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा 44 का, बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, गलित सोडियम का प्रयोग में लाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है,
तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं बताइए किसके द्वारा, नाभिकीय संलयन से, गुरुत्वीय संकुचन से, रासायनिक अभिक्रिया से, नाभिकीय विखंडन से, बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। 2 सेकेंड आप लोगों के पास है, इसका सही ऑप्शन बताइए क्या होगा, क्या है क्वेश्चन ना, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं किस किस से दिया हुआ है, नाभिकीय संलयन से, गुरुत्वीय संकुचन से, रासायनिक अभिक्रिया से और नाभिकीय विखंडन से, इसका सही उत्तर का चुनाव कीजिए आप लोग क्या होगा, बताइए 45 का सही ऑप्शन क्या होगा, क्या होगा इसका कोरेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, एक और दो, कहने का मतलब तारे नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्या सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में क्या है, रेडियो समस्थानिक है और दूसरा में निदान सूचक उपयोग है, तो बताइए इसमें क्या होगा, आप लोग मिलान कीजिए, क्या आर्सेनिक 743 की संक्रियता और कोबाल्ट 60, आयोडीन 131 और सोडियम 24, इसका सही चुनाव कीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को इसका उत्तर बताऊँगा, उसका उत्तर बताइए क्या होगा, बताइए आप लोग 10 सेकेंड आप लोग इसके लिए दे रहे हैं, इसका चुनाव कर लीजिए आप लोग, क्वेश्चन देखें आप लोग बताइए, चलिए इसका क्या होगा बताइएगा आप लोग क्या होगा, इसका ऑप्शन दे रहे हैं, इसका सही ऑप्शन बताइए क्या होगा, बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा 46 का, बताइए क्या होगा इसका कोरेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा, कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ क्या आर्सेनिक का ये होगा, इसका मतलब ये हुआ कोबाल्ट का 60 और आयोडीन 131 का क्या होगा, क्या होगा इसका आयोडीन का क्या हो जाएगा आप लोग, थायराइड्स ग्रंथि हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 46 का आप लोग क्या होगा सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 47 का सही ऑप्शन बताइए क्या होगा, किस लिए किया जाता है, इसका कोरेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, मंदक के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 48 का, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्षण, बताइए 48 का सही ऑप्शन बताइए क्या होगा, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा 48 का, 2 सेकेंड आप लोग के पास, इसका सही ऑप्शन बताइए क्या होगा, क्या उसका कोरेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति की जाती है, बताइए 49 का सही ऑप्शन बताइए क्या होगा, 2 सेकेंड आप लोगों के पास है, 49 का कोरेक्ट ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा, किसकी युक्ति किया जाती है, इसका कोरेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रकाशीय वोल्टेज सेल की उपयोग की जाती है सौर ऊर्जा को बिजली ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स क्या है, लास्ट क्वेश्चन, बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट में के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है, बताइए 50 का कोरेक्ट ऑप्शन बताइए क्या होगा, क्या क्वेश्चन फिर से पढ़िए, बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है क्योंकि, बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, किस कारण से खिलाया जाता है बेरियम टैबलेट, क्या होता है कोरेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा 50 का सी, बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषण है जो इसमें चित्र में पेट की अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से देखने की सहायता मिलती है। थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और आप लोगों को डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आप लोगों को फिजिक्स बिहार अमीन का जितना भी फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो हो